अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की एक लीडिंग रिटेल चेन से है जिसका नाम चेज़प है। यहाँ पर मैं लास्ट 8 ईयर से मैं जो एसोसिएट हूँ इस कंपनी के साथ, और एज अ हेड ऑफ HR मैं यहाँ के फंक्शंस को ओवरसी कर रहा होता हूँ। आज हम रिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। रिटेल जो कि पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जो कि GDP का 18% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो पिछले पाँच सालों में जो यहाँ पर ग्रोथ हुई है वो बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रोथ। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 सालों, तो जो भी रिटेल सेक्टर के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट जो व्यवस्था थी वो शायद बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो लाखों की तादाद में नौजवान हैं जो कि रोज़गार से वाबस्ता हैं। रिटेल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये आता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भी इदारे हैं उनकी तरफ से रिटेल सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। हमारी जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो प्रोडक्शन है ह्यूमन रिसोर्स की वो उस तरह से नहीं कर पाती है जो कि हमें जिस तरह की ज़रूरत है। ये अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है जिसकी वजह से जो स्किल सेट इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड में यूज़ होता है, अगर हम बात करें बड़े नामों की, हम वॉलमार्ट की बात करें, हम टेस्को की बात करें, जिस तरह से लोग स्किल सेट डेवलप करके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। पाकिस्तान के जितने भी रिटेल एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज लोगों की डेवलपमेंट है। अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट्स ने भी इस पर काम नहीं किया, कुछ NGOs ने इसके ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर रिसेंटली लास्ट ईयर हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था UNDP के साथ जो कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम था। उसमें हमने बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो कि तालीमी काबिलियत नहीं रखते थे, उनको हमने अपने पास हायर किया, हमने उनको डेवलप किया और हमने उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टेक्निकल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जिसमें रिटेल के ऊपर एक स्पेशली एक प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया गया है। एज ए HR स्पेशलिस्ट मैंने एक चीज़ बड़ा स्ट्रॉन्गली मैंने फील की है जो कि हमारे तालीमी इदारों की अगर मैं बात करूं और या मैं नौजवानों की बात करूं, जब भी किसी इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं सेलेक्ट करते हैं भाई हमें बिजनेस मैनेजमेंट पढ़नी है, हमें कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिटेल स्टडीज हमारे पास मौजूद नहीं है और एज अ कैरियर इसको सेलेक्ट नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली आज भी लोगों के साथ ये चैलेंज है कि जब वो कैरियर की बात करते हैं कि हमें आगे जाके क्या बनना है, और अगर हम रिटेल की कोई बात करें तो एक टिपिकल थॉट ये भी आती है कि क्या हम कोई दुकानदारी चलाएंगे, क्या हम जाके कोई मतलब कोई परचून की दुकान चलाएंगे, तो शायद उसको लोगों का जो परसेप्शन है ना वो बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट के साथ वो इसको पढ़। तो मेरा ख्याल है इस सोच को तब्दील करना जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम है। मैं अक्सर एक चीज़ नोट करता हूँ, बल्कि ऑब्जर्व करता हूँ, और मैं उसको समझता हूँ मेरे लिए बड़ा लम्हे फिक्री है कि हम डिफरेंट तरह के जॉब फेयर्स हम देखते हैं जहाँ पे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लगाती हैं, मुख्तलिफ NGOs, मैं अक्सर देखता हूँ लाखों की तादाद में नौजवान पहुँचा हुआ होता है जॉब के लिए कि हमें जॉब मिल जाए, और जब मैं वाइस वर्सा मैं रिटेल की तरफ आता हूँ तो हमें लिटरली इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि हमारे पास टैलेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, हम लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे पास जॉब्स हैं, लोग आ जाए हमें ज्वाइन करें, तो हमें नहीं मिलता। इस साल जो हमने एक तजुर्बा देखा COVID-19 का, जिसमें शायद पूरी दुनिया ही मेरे ख्याल है हिल गई, और हर तरह की जो भी इकोनॉमी थी जहाँ से जिसका जैसे भी ताल, मेरा नहीं ख्याल के ज़ाती तौर पर कि उस बिज़नेस ने सफ़र ना किया। रिटेल एक ऐसा वाहिद इदारा था जिसको कम से कम सफ़र करना पड़ा। जब हम रिटेल वर्क प्लेस की बात करते हैं तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग शायद 12-12, 14-14 घंटे भी काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो मेरी गुजारिश जितना HR प्रोफेशनल्स हैं जो कि रिटेल से एसोसिएट हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, लोकल एम्प्लॉयर्स, मैं ये चाहूँगा, मेरी उनसे गुजारिश ही होगी कि वो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करें कि इतनी स्ट्रेस सूरत हाल के बाद भी जहाँ लोग इतनी देर तक काम कर रहे हैं वो बहुत खुशी से काम करें। जब वो सुबह अपने घरों से आएँ तो खुशी आएँ, और जब जाएँ तो वो खुशी जाएँ। और बड़ा एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर लोग खुश होते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो कंपनी को फ़ायदा होता है।